सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और यहाँ हम सभी रेडी हो गए हैं अपने होम टाउन जाने के लिए, निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो अभी सामान रेडी है और हम बस निकलने वाले हैं। सीरियसली इस बार बहुत मज़ा आने वाला है छठ पूजा में, क्योंकि मैं 2 साल बाद अपने घर पे सेलिब्रेट करूँगी छठ पूजा। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे हैं। और ये दिवाली के नेक्स्ट डे हमें निकलना था, तो देख रहे होंगे कि चारों तरफ लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी है दिवाली की वजह से। और थोड़ा मौसम भी ख़राब हो गया था, शाम में बारिश हो गई थी, इसकी वजह से ठंड हो गई। अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और बच्चे अपनी शैतानी करने में लगे हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इनको ऐसे लगा के। अभी मैं, ये मुझे किट दिया गया था क्योंकि ये मेडल सीट है मेरी। बस निकल चुके हैं दोनों बच्चे, काफी एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये लगा के भी हेड पे ये भी मजा आ रहा है। और अभी हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और अभी हम पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सर तक यहाँ वेट कर रहा था सामान के लिए और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बाहर ड्राइवर भैया हमारा वेट कर रहे होंगे। तो अभी मैं जाऊंगी अपने आंटी के पास, चाची के पास, थोड़ा रेस्ट करूंगी वहाँ पर, फ्रेश होंगी क्योंकि रात भर के जगे हुए हैं हम। अभी पहुंच चुके हैं हम आंटी के पास और उसके बाद अब निकले हैं घर के लिए, होम टाउन। और यहाँ रास्ते में थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं कि बहुत नींद आ रही थी रात भर के जगह। हमारी गाड़ी रुकी है और हम लोग अभी थोड़ा चाय पियेंगे। बहुत नींद आ रही थी और अभी ये कुल्हड़ वाली चाय, यहाँ रास्ते में रुके हैं। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था इतने दिनों बाद बाहर निकल के। बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ ये पेड़ा बन रहा है और ये ड्राइवर भैया भी अब चाय पी रहे हैं। बस अब निकल चुके हैं घर के लिए, एक्साइटमेंट है कि बस जल्दी से घर पहुँचे। और यहाँ पर रास्ते में मैंने गाड़ी रुकवाई है, ये मिट्टी के चूल्हे बना रही हैं औरतें, छठ पूजा के लिए था ये। और अभी मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। एक्चुअली मैं इससे पहले अपने ससुराल गई थी मायके से पहले, वहाँ एक दिन रह के आई हूँ, बट वो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसने रास्ते में वॉमिट कर दी थी, तो मेरे कपड़े उसके कपड़े सारे गंदे हो गए थे, तो मैं नहीं शूट कर पाई। मेरे घर पे बस तैयारियां चल रही है छठ पूजा की। आज खरना है तो उसकी तैयारी सुबह से, दोनों आंटी फास्ट पे रहती हैं मेरी, वो दोनों लग गई आज खरना वाले दिन। उन दोनों का ही काम होता है पूजा में, वैसे तो सब लोग मिलके करते हैं बट वो नेक्स्ट डे करेंगे। आज खरना में दोनों मिलके ये लोग रात के में जो पूजा होगी उसके लिए वो खीर वगैरह जो बनते हैं वो बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और ये मेरा पूजा घर हमारा, सारी तैयारियां चल रही है बस। सभी लोग अपने अपने काम और कॉपीराइट इशू की वजह से म्यूजिक बंद करना पड़ा। यहाँ ये रात के पूजा के लिए बनी है खीर और दोनों मिलके रात की तैयारी कर रही हैं। बहुत मज़ा आता है छठ में, बहुत ज़्यादा। इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, अपने घर पे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। 2 साल हो गए मुझे अपने घर पे और इस बार कोरोना की वजह से हम शायद नदी पे ना जा पाए, इसलिए ये बना दिया गया है गार्डन के अंदर।
देखिए ये मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें ये चावल को पीस कर और सिंदूर ये लगा के रखा जाएगा रात की पूजा के लिए। और ये रात की पूजा हो गई है, अभी हम सारे लोग अभी सभी इकट्ठे होंगे, जितने घर के मेंबर्स हैं सारे इकट्ठा होंगे यहाँ पर। अभी सभी को ये प्रसाद मिलने वाला है खरना का, इसे खरना पूजा बोलते हैं। और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो ऐसे बहुत मज़ा आता है, सारी बहनें हम साथ में। और यहाँ मोहल्ले के लड़के ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं क्योंकि छठ पूजा में सड़कों को भी साफ कर दिया जाता है। और ये है शाम वाले अर्घ की तैयारी, यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, कोई चीज़ मिस ना हो इसलिए इस तरीके से सजा के एक एक चीज़ उसमें ध्यान से रखा जाता है। और यहाँ पे मम्मी और चाची आंटी ये सब मिलकर अभी ठेकुआ बना रहे हैं पूजा के लिए। और ये घर भी सज के तैयार है छठ के लिए, भाई और ये भतीजी मेरी, ये सब अभी अपने सभी काम में बिजी हैं, कोई डेकोरेशन में कोई सफाई में, सारे बिजी हैं। इसी तरीके से छठ को एंजॉय किया जाता है, हर कोई अपने घर में इसी तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं। और ये सभी लोग नदी पे जा रहे हैं, मैंने बहुत मिस किया, मैं रोई भी कि मैं इस बार नदी पे नहीं जा पाई। और ये हमारे यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, शाम में अर्घ और एक सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरे में अर्घ होता है, एक सूर्यास्त से पहले और एक सूर्योदय में, कि जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय अर्घ देते हैं और एक सूर्यास्त से पहले। तो दो दिन टोटल, ये चार दिन का फेस्टिवल है, तो बहुत मज़ा आता है, यहाँ सभी लोग इस तरीके से अर्घ देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है छठ में। इसलिए मैं छठ को बहुत मिस करती हूँ, अगर मैं कहीं कभी नोएडा रह जाती हूँ दिल्ली तो मैं बहुत मिस करती हूँ छठ को। और इस बार मैं 2 साल बाद अपने घर पे छठ मना रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट कोरोना ने सारा बेकार कर दिया, नदी पे नहीं जा पाई। नदी पे जाके बहुत मज़ा आता है। और इसी तरीके से हम पूजा सभी मिलके सेलिब्रेट करते हैं, और सुबह की पूजा के बाद सभी औरतों को, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑरेंज कलर का सभी लोग सिंदूर लगाते हैं, वो भी अभी आंटी जब पानी से बाहर आ जाएंगी उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद हम सभी को वो सिंदूर लगाएंगी और आंचल में प्रसाद देती हैं। तो इतना कुछ तो नहीं शूट कर पाई, तो ये देख रहे हैं इस तरह के मम्मी औरों को ऊपर लगे रहना पड़ता है जो। और इसी तरीके से पानी में ये जो भी फास्ट पे रहते हैं वो आराधना कर रहे होते हैं, और इस तरीके से हम ये ऑरेंज वाला सिंदूर लगाते हैं सभी औरतें पूजा के बाद। और बस इसी तरीके से छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।